पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, पहलवान योगेश्वर दत्त और शिरोमणि अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भाजपा में शामिल, आज दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति ने दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श किया, 30 सितंबर को होगी पहली लिस्ट जारी। विधानसभा आम चुनाव के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए दिव्यांगजनों को दी जाएगी अनेक सुविधाएं। और जींद के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नरवाना उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव संबंधी तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत, अब समाचार विस्तार से। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, ओलंपियन योगेश्वर दत्त और शिरोमणि अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि संदीप सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुरुक्षेत्र जिले के पिहुआ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। संदीप सिंह पिछले कई दिनों से पिहुआ में काफी सक्रिय हैं। शाहबाद मारकंडा के संदीप सिंह फिलहाल हरियाणा पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 28 और 29 सितंबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद 30 तारीख को पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी। आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,36,000 है। आयोग ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एक ऐप बनाया है, जिसकी सहायता से वो प्रशासन से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए व्हीलचेयर की मांग कर सकते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि इस ऐप की मदद से वो अपनी वोट भी बनवा सकते हैं। नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए ब्रेल एपिक तैयार करवाए हैं। उन्होंने बताया कि कल से हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारा ये प्रयास है मतदान के अंदर सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, और जो दिव्यांग मतदाता हैं, जिनकी संख्या हरियाणा में इस समय 1,36,000 के करीब है, जो लोकसभा के दौरान 1,05,000 थी, इट मीन्स कि मोर देन 30,000 से ज़्यादा दिव्यांग मतदाताओं को मार्क किया गया है। तो इसके लिए कमीशन ने भी एक ऐप बनाया है, PWD ऐप, जिस पर जाकर के वो अपने आप को मार्क कर सकते हैं, बोर्ड बनवा सकते हैं, व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मतदाता व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो प्रशासन उसको घर से लेकर भी आएगा और वापस मतदान करने के बाद छोड़कर भी आएगा। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी दिव्यांग मतदाता हैं, उन सबको मतदान के दिन, जिनकी पहले से रिक्वेस्ट आएगी व्हीलचेयर के रिगार्डिंग या ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, उनको घर से ला करके उनका मतदान करवाया जाए, और उनको लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही वो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं उनको स्पॉट किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। जींद के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आदित्य दहिया और पुलिस अधीक्षक अश्विनी शैणवी ने आज नरवाना उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया को लेकर SDM कोर्ट का निरीक्षण किया और स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्रों का जायजा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उसके मुताबिक ही नॉमिनेशन भरें। नॉमिनेशन हॉल के बाहर 3 गाड़ियां 100 मीटर के दायरे में रहेगी।
जींद जिले में जो विधानसभा चुनाव हैं वो 21 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, उसी के तहत अब जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो 27 तारीख से शुरू होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है, हर प्रकार की व्यवस्था को जांच लिया गया है, चुनाव के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा, हमारे सारे भाई बंधु अपना निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल किसी भी प्रलोभन में आए बिना अपने निर्वाचन के जो अधिकार है उसका उपयोग करें। पहला तो जो नॉमिनेशन है वो 27 तारीख से 4 तारीख तक जो चलेगा, उसमें हमने सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि जो मापदंड इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किए हुए हैं उसके तहत ही वो नॉमिनेशन भरें, और केवल 5 व्यक्ति जैसे अंदर नॉमिनेशन हॉल में अलाउड हैं, केवल 3 गाड़ियाँ 100 मीटर के अंदर अलाउड हैं, वो उसे फॉलो करें। और साथ ही हमने जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसका आज हॉल की समीक्षा की है, 24 तारीख को यहाँ काउंटिंग होगी, उसके लिए हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और तीसरा जो हमारी मशीनें हैं इलेक्शन की ईवीएम मशीन, उनको तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी शेणवी ने कहा कि नॉमिनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कानून की अवहेलना करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अब तो सारी तैयारियां ठीक है, ज़्यादातर जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आएंगे। यहाँ की जो टीम है, एसडीएम साहब है, जो आरओ है और डीएसपी साहब, सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, वो हम संतुष्ट हैं इस काम से। हमारा तो यही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। आगे की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वगैरह प्लानिंग स्टेजेस में है, उसको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। आज सिरसा में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने कहा कि सभी मतदाता चुनाव में सक्रिय भागीदारी करें और इसी में लोकतंत्र की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग देश हित में अपनी ऊर्जा प्रयोग करें और चुनाव महापर्व में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। उद्देश्य ये था कि बताया जाए कि नैतिक मतदान क्या है, मतदान क्यों जरूरी है, आपकी क्या भूमिका है और हम अपनी भूमिका कैसे निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल नाम से एक जो ऐप डेवलप की है उसको भी हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं ताकि वोटर्स की भागीदारी बने, और उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैं यही मानता हूँ कि वोटर्स हैं, तो उनको जागरूक होना चाहिए और जागरूकता के लिए कि आप आएँ, मतदान करें, नैतिक तौर से मतदान करें, बिना इन्फ्लुएंस में मतदान करें। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता ही इसकी मजबूती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पूरे समाज के लिए संदेश वाहक की जिम्मेदारी निभाएं और हर परिचित को उसके वोट के अधिकार की याद दिलाएं। आज का प्रोग्राम छात्रों का और दूसरे जो नागरिक हैं जिले के, उनको वोट के महत्व के बारे में बताना और साफ़ सुथरा वोट करना, कोई पैसे के या शराब के या किसी और चीज़ के लालच में आके वोट ना करना, या जाति धर्म की नफ़रत के आधार पे जो वोट करते हैं उस तरह का वोट ना करके पॉजिटिव वोट करना कि इनमें से ये कैंडिडेट या ये पार्टी अच्छी है उसको वोट करें। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें ताकि आमजन इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और भागीदारी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मतदान करने के लिए जागरूक करें। अनुराग अग्रवाल ने उच्चतर शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉलेजों में मतदान के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने बताया कि आरोही स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें लगभग 40,000 आवेदकों ने आवेदन किया है। उनके हॉल टिकट पर हरियाणा का महोत्सव विधानसभा चुनाव 2019 में 21 अक्टूबर को मतदान करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें का संदेश लिखा गया है। करनाल के संगोही गांव के सरपंच केहर सिंह के नेतृत्व में आज अनेक किसानों ने उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की उपस्थिति में पराली न जलाने का संकल्प लिया। किसानों ने कहा कि वे दूसरे किसानों को भी पराली न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे और फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएंगे।
इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि करनाल जिले में दो वर्षों के दौरान 260 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों से कृषि यंत्र लेकर किसानों ने जिस तरह से अपने खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाया है, उससे आग लगाने के मामलों में 45% की गिरावट आई है। पराली जलाने से संबंधित जो प्रदूषण होता है, जिससे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी रहती हैं, इस तरह की कई समस्याएं सामने आई हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जो फार्म मशीनरी है वो देने की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एक समूह बनाकर भी, जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इस तरह की मशीनों को कृषि विभाग के पास आवेदन करके भारी सब्सिडी के साथ लिया जा सकता है। उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ करनाल के संगोही संगोहा गांव है उसमें आए हैं, जहाँ किसानों ने जो मशीन ली गई हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से, उनका आज डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। आपने भी उसको भली बात यहाँ देखा, और एक मत यहाँ के सभी किसानों ने बनाई है कि इस बार हम अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको नहीं। पिछले साल से सर मैंने ये सारे जो इम्प्लीमेंट हैं सब लिए हुए हैं, और इनका बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है इनका। जैसे ये प्लो है, प्लो जैसे ज़मीन हमारी नीचे जो है पानी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो नारनौल इकाई द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत आज पलवल के सरस्वती महिला महाविद्यालय में छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। नारनौल इकाई के प्रभारी राजेश अरोड़ा ने बताया कि छात्राओं के समक्ष वीवीपैट मशीन का डेमो दिखाया गया है, ताकि पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि मतदान के समय किसी के बहकावे में न आए और अपनी इच्छा के अनुरूप देश हित में मतदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो लोगों को मतदान के लिए निडर व निष्पक्ष मतदान के लिए जागरूक करना है, ताकि वो बेखौफ होकर मतदान करें और बिना किसी धर्म जाति और प्रलोभन के तो किसी के बहकावे में आकर वोट ना करें, और अपने इच्छा से जो देश के हित में हो उसी को वोट करें। इसमें हमने छात्राओं को ये बताया है कि उन्होंने नई वोट किस तरह से बनवानी है, फॉर्म नंबर 6 किस तरह से भरना है, ऑफलाइन किस तरह से जमा करना है, ऑनलाइन nvsp.in पर जाकर किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, वोट बनवाने के बाद किस तरह से आने वाले चुनाव में उन्होंने वोट डालना है, क्या चुनावी प्रक्रिया है, यही छात्राओं को हमने समझाया है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कल चंडीगढ़ में सभी मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा पराली न जलाने के लिए प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्त अपने स्तर पर फसल अवशेष प्रबंधन की समीक्षा प्रतिदिन करें। उन्होंने बताया कि पराली न जलाने के लिए प्रदेश की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान मोबाइल ऐप से कोई भी नागरिक पराली जलाने की सूचना दे सकता है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी गाँवों में 2 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया जाए। इस दौड़ में प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और महात्मा गांधी के आदर्शों के बारे में जागरूक किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, पहलवान योगेश्वर दत्त और शिरोमणि अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भाजपा में शामिल, आज दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति ने दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श किया, 30 सितंबर को होगी पहली लिस्ट जारी। विधानसभा आम चुनाव के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए दिव्यांग जनों को दी जाएगी अनेक सुविधाएं। और जींद के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नरवाना उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव संबंधी तैयारियों का लिया जायजा। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।